मैरी क्रिसमस। आज मैं जा रही हूँ क्रिसमस के अवसर पे बहुत ही टेस्टी और यम्मी ओरियो का केक बनाने, जो काफ़ी आसान है, आप लोग भी जल्दी झटपट बना सकते हैं इसे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 पैकेट बिस्किट लिए हैं, जिसको आप अच्छे से खोल करके उसे निकाल ले और उसकी सारी क्रीम निकाल ले चक्कू की सहायता से, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ। देखिए इधर मैंने क्रीम निकाल ली है। बिस्किट को टुकड़े कर ले 2 या 4 और उसे मिक्सी जार में डाल करके आप 1 से 1.5 चम्मच चीनी डाल करके आप इसे अच्छे से ग्राइंड करें। बिल्कुल फाइन होना चाहिए पाउडर, इस तरह से मैंने तोड़ तोड़ करके डाला है, उसी तरह से आप भी डालें। आप देख सकते हैं इधर मैंने पाउडर बन चुका है। 1 ग्लास दूध इसे अच्छे से मिलाए, दूध में थोड़े थोड़े डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करें, जिस तरह से मैं मिक्स करी हूँ। लगभग थोड़ा सा ही दूध बच पाएगा, इसे अच्छे से पेस्ट बना लें विस्कर की सहायता से। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से आप भी इसे अच्छे से बना लें। इधर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है भगोने, उसमें आप 1 से 2 कटोरी के लगभग नमक ऐड कर ले और उसे अच्छे से चारों तरफ से फैला करके इसका फ्री हीट होने दें, ढक्कन बंद कर दे। इधर केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बर्तन लिए हैं, उसे आप अच्छे से ग्रीस कर ले। पेपर, बटर पेपर आप यूज कर सकते हैं या पेपर भी आप यूज कर सकते हैं। इस पे डाल करके अच्छे से ग्रीस करें पेपर को भी। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर मैंने फ्री हीट होने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इस समय आप इसके पेस्ट में बिस्किट के डाल दें इनो, और उसमें 1 चम्मच मैंने इनो डाले, थोड़े से पानी डाल करके आप इसे अच्छे से जल्दी से मिला, देर ना करें इसे, इस प्रोसेस में अच्छे से मिल जाए। तुरंत इसे बर्तन में डालें, केक के बर्तन में इसे अच्छे से डाल करके 2 बार टैप करें, जिस तरह से मैंने टैप किया है उस तरह से आप इसे टैप करें। और इसे आप देख सकते हैं इधर प्री हीट हो चुका है। अब इसमें आप इसे सावधानी से डालें, क्योंकि बर्तन पूरा गर्म होता है इसलिए, और इसे ढक्कन लगा दें। आप ढक्कन लगा करके इसके लगभग 15 से 20 लगभग 40 मिनट के लगभग आपको लग जाएगा इस प्रोसेस में। धीमी फ्लेम रखें इस समय, और आप देख सकते हैं इधर जब तक बेक हो रहा है तब तक हम लोग इधर डेयरी मिल्क का मेल्ट कर लेते हैं। गर्म पानी करें, उसमें आप डेयरी मिल्क के टुकड़े को कटोरी में डाल करके इसे अच्छे से मिक्स होने दें। स्पून की सहायता से इसे आप मिक्स कर ले, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल हो चुका है। लगभग मुझे ये प्रोसेस करने में 30 से 40 मिनट के लगभग लग गए हैं। ये पूरी तरह से अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे आप इधर देख सकते हैं मैंने इसे भी मेल्ट कर लिया है, डेयरी मिल्क को अच्छे से। इस तरह से आप ही इसे मेल्ट कर ले। इधर आप इसे ठंडा होने के लिए रख दे केक को, और देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल भी जाता है। इस तरह से देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये। इस तरह से आप भी इसे जैम से सजाएं इसे, और डेयरी मिल्क के मैंने आधे से पीस रख लिए थे, उसे आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से डेयरी मिल्क का पेस्ट को मैंने इस पे फैला लिए हैं। उसके बाद में आप ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर ले इसे अच्छे से, और चारों तरफ से इसे फैला ले जिस तरह से मैंने फैलाए हैं। अगर ऐसे ग्रेट करने में दिक्कत हो तो आप प्लेट में डालकर भी ग्रेट कर ले, और इसे इस तरह से फैला ले चारों तरफ से। उसके ऊपर से आप देख सकते हैं इधर मैंने चारों तरफ से ही इसे फैलाया है। बहुत ही देखने में सुंदर और अच्छा लगता है। आप लोग भी इसी तरह से डेकोरेट करें इसे। इसके ऊपर से मैं यहाँ पे राउंड राउंड शेप मैंने क्रीम को, बिस्किट के क्रीम को रखा था, उसे ले करके डाल ले। उसके ऊपर से आप जैम्स या चेरी डाल करके उसे फ्लावर का डिजाइन दे और अच्छे से उसे डेकोरेट करें। जैम्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बीच में भी आप डाल सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो उस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही देखने में जितना ये अच्छा लग रहा है उतना ही ये खाने में भी उतना ही टेस्टी और यम्मी होता है। आप लोग भी इस क्रिसमस के अवसर पर ज़रूर इसे बनाएंगे और अपने फैमिली के साथ इसे इंजॉय करेंगे। देखिए यहाँ राउंड शेप में भी कुछ मैंने निकाल लिए थे क्रीम, उसके मैंने फ्लावर बनाए हैं। इस तरह से आप भी फ्लावर बना करके, फ्लावर डाल करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने किया है। आप चाहे तो उसके ऊपर थोड़ा सा जेम्स लगा दें, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगेगा। इस तरह से जो जैसा आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल लग रहा है ना रेडीमेड दुकान की तरह का केक,
इस तरह से आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं, और कैसा बना टेस्ट करके ज़रूर, मैं कट करके भी आप लोग को दिखा रही हूँ कितना सॉफ्टी बना है ये, कि देखते ही उम्मीद है आप लोग ज़रूर बनाएंगे, और किस तरह का इसका टेस्ट है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए थे।